नमस्कार, नीतिकर कलाकृति में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नॉन फ्राइड स्टफ्ड घिया के कोफ्ते। इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले कोफ्तों के लिए हम बेसन को मध्यम आंच में गुलाबी होने तक भून लेंगे। हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, इसे हम कुछ घी तेल नहीं डालेंगे। कोफ्ते की स्टफिंग के लिए पनीर को ग्रेट कर लीजिए। इसमें चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच मिर्च, चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच नमक, चुटकी भर सोडा, हरे धनिया की पत्तियां, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के मिक्स कर लीजिए। ये आपके कोफ्ते की स्टफिंग तैयार है। अब बनाते हैं कोफ्ते। इसके लिए घिया को ग्रेट कर लीजिए, यानी कि बारीक कस लीजिए। अब इसमें 4-5 चम्मच बेसन मिलाइए। घिया को हमें निचोड़ के पानी नहीं निकालना है। इसमें नमक डालिए, लाल मिर्च पाउडर डालिए, चुटकी भर हल्दी डालिए और बहुत ही थोड़ा सा खाने का सोडा डालिए। और अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं। यह एक बंधने लायक मिक्सचर बन जाना चाहिए। देखिए, अब एक छोटा पोर्शन हाथ में लीजिए और इसमें 1 चम्मच स्टफिंग बीच में रखिए और इसे हल्के हाथ से घुमाते हुए इसके राउंड बॉल्स बना लीजिए। देखिए, परफेक्ट राउंड बॉल्स। ऐसे ही सारे कोफ्ते तैयार कर लीजिए। अब जैसा मैंने कहा, नॉन फ्राइड है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अप्पम तवा। अप्पम तवा को गर्म होने के लिए रख दीजिए। सारे पिच में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालिए, इसको ग्रीस कर दीजिए। जब ये गरम हो जाए तब हर पिट के अंदर 1 कोफ्ते की बॉल रख दीजिए। इसे हम मीडियम हीट पर 5-7 मिनट पकाएंगे और इसकी लिड लगा दीजिए। पांच मिनट बाद इसे पलट कर देखिए। देखिए ये कितने क्रिस्पी सिक गए हैं। अब इसे दूसरी तरफ से सिकने दीजिए। पलटने से पहले इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था। ये नॉन फ्राइड कोफ्ते आपको वही स्वाद देंगे। अब 5 मिनट बाद देखिए, दोनों तरफ से बिल्कुल सिककर तैयार हो गए हैं। एकदम क्रिस्पी, एकदम राउंड कोफ्ते। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए आपको बेसिक सामान ही चाहिए। 1 करछी तेल पैन में डालिए, 2 लौंग डालिए। तेल गर्म होने पर इसमें 4-5 काली मिर्च, 2 तेज पत्ते डालिए और अदरक के टुकड़े को मोटा मोटा काट के डाल दीजिए। हल्का सौटे होने के बाद इसमें आप 1 प्याज कटा हुआ डाल दीजिए। हमें कोई बारीक काटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही टमाटर के मोटे मोटे टुकड़े इसके अंदर डाल दीजिए। मैं इसमें 4 काजू डाल रही हूँ। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसका सब्स्टिट्यूट बादाम। ये बादाम पानी में भिगा कर छिलके उतार कर इसके अंदर 8-10 बादाम डाल दीजिए। हल्का सा सॉटे करके थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे 5-7 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए। जब ये इसकी टमाटर की स्किन अलग होने लगे तब इसकी स्किन को उतार दीजिए, यानी टमाटर का छिलका उतार कर अलग कर दीजिए।
अब इस मिक्सचर को मिक्सर में ट्रांसफर कीजिए। इसमें हम मसाले डालेंगे, इसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए करीब आधा चम्मच। ये मैं ट्विस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला डालती हूँ। मिर्च डालिए, नमक डालिए, नमक डालते हुए ध्यान रखिए हम पहले भी नमक डाल चुके हैं। धनिया पाउडर डालिए और इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर डालिए। अब पैन गरम कीजिए, इसमें एक करछी तेल डालिए और ये जो आपने मिक्सचर तैयार किया है ये मिक्सचर इसके अंदर भुनने के लिए डाल दीजिए। इसे बीच बीच में स्टिर करते रहें, यानी कि हिलाते रहें, नहीं तो ये काजू बादाम जो है वो नीचे लग सकते हैं। जब मिक्सचर में से तेल अलग होने लगे तब आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। आधा कप दूध डाल दीजिए। देखिए आपकी मलाईदार ग्रेवी तैयार है। अब आप कोफ्तों को सर्विंग के लिए रखिए, ऊपर से ये ग्रेवी डालिए और इसे गार्निश कीजिए कसूरी मेथी से। आपके नॉन फ्राइड कोफ्ते तैयार। एंजॉय कीजिए, गरम गरम खाइए और खिलाइए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। बाकी वीडियोस के लिंक्स हमारे अगली स्लाइड में दिए गए हैं। एंजॉय ईटिंग। थैंक यू।